शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी बीमारी मेरी मर्जी, क्या कायरा चांडियो और खोसा के होते हुए बिलावल भुट्टो सिलेक्टेड नहीं। इमरान खान इसी माह चीनी और आटा माफिया को बेनकाब करेंगे, चंद दिनों में मईशत से मुतालिक बड़ी खबरें देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काफ लीग हमारे साथ है और साथ रहेगी, नैब को अच्छे वकील रखने की जरूरत है, रेलवे बसात खुद बहुत बड़ा माफिया है, ML1 मेरी जिंदगी का मिशन है। पंजाब कोरोना वायरस से पाक, पंजाब में कोरोना वायरस के 55 मुश्तबा मरीज क्लियर करार, किसी मरीज में वायरस की तस्दीक नहीं हुई, 60 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए, 5 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तर्जुमान महकमा सेहत। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम, शहर की बड़ी मार्केट्स में कोरोना स्प्रे कराने का फैसला, PSL के बाद कजाफी स्टेडियम में भी स्टरलाइजेशन होगी, टोलेंटर मार्केट, फिश मार्केट, बर्ड मार्केट और दीगर मार्केट्स में स्प्रे कराए जाएंगे। हिफाजती इकदाम से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है, डेप्यूटी कमिश्नर टाउन में वायरस से बचाव के लिए स्प्रे भी कराएंगे। दही और दालों के रेट क्यों बढ़ाए, डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल ने वजाहत कर दी, खुद साख्ता महंगाई रोकने के लिए कीमतें बढ़ाएं। डेप्यूटी कमिश्नर की अनोखी मंतव, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके रेट का तयन किया, 15 रोज बाद कीमतें कम होंगी, शहरियों को महंगाई के दौर से निकालना चाहते हैं, तेल की कीमतों में कमी से महंगाई कम होगी, डेप्यूटी कमिश्नर। महकमा पुलिस की 64% गाड़ियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी, नीलामी की जाए, 10,500 भर्तियों का फैसला किया गया है, पुलिस का बजट 5.12% से बढ़ाकर 5.53% कर दिया, कम वसायल से बेहतर नतायज हासिल नहीं किए जा सकते, सूबाई वजीर कानून बिशारत राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।